हालेलुया विश्वासियों, परमेश्वर का अनुग्रह आज दिन भर आप सबों के जीवन में बना रहे। आज डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन में दाऊद के जीवन से कुछ बातें सीखेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर आप पहला सैमुअल और उसका 17वां अध्याय खोलें, ये वो जगह है जहां दाऊद को उसके पिता अपने भाइयों की खबर लेने के लिए भेजते हैं और वहाँ गोलियत को दाऊद को फेस करना पड़ता है। हमने इस पूरे अध्याय में बहुत सी बातें हैं। दाऊद अपने विषय में बताता है कि यहोवा ने मुझे बल दिया, मैंने सिंह को भी मारा, भालू को भी मारा और उसी यहोवा के बल से मैं गोलियत को भी मार सकता हूँ। लेकिन दो मुख्य एक बेसिक नीड जो एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए, आज हम उसके विषय में देखेंगे। पहली चीज़, अगर हम पहला सैमुएल और उसका 17वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत में पढ़ते हैं, वहाँ के आखिरी के हिस्से में लिखा है, और वो अपना गोफन हाथ में लेकर पलिस्ती के निकट गया। अपना गोफन, इससे पहले अगर आप पढ़िए तो राजा अपने आर्मर उसको देता है पहनने के लिए और राजा का आर्मर वो पहन भी लेता है, लेकिन उसके बाद वो चल नहीं पाता गा। यू नीड टू हैव योर ओन आर्मर ऑफ गॉड। आपको स्वयं परमेश्वर के हथियारों को पहनना है। और अगर आप इफिसियों उसका 6वां अध्याय खोलें और उसके में हम 2 आयतों को पढ़ेंगे, यहाँ पर इफिसियों की किताब में ऐसा लिखा है 11वीं आयत और 13वीं आयत में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। 13वीं आयत में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। सारे हथियार हम मिस नहीं कर सकते, कोई भी परमेश्वर का हथियार। उद्धार का टोप पहन लिया, धार्मिकता की झिलम पहन ली, विश्वास की ढाल ले ली, तलवार ले ली, 2-धारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है, लेकिन हमने जूते नहीं पहने या सब कुछ पहन लिया, झिलम नहीं पहनी। वी हैव टू हैव ऑल द आर्मर, हमें सारे हथियारों को पहनना। और यहाँ पे दाऊद अपने हथियार को, अपने गोफन को लेता है और आगे जाता है। और बाइबल कहती है 16वें अध्याय में, दाऊद एक वीर योद्धा भी है, वर्शिपर भी है, बुद्धिमान भी है, देखने में रूपवान भी है, यहोवा उसके साथ साथ भी रहता है। लेकिन दाऊद की एक और क्वालिटी है, वो वीर योद्धा है, उसे लड़ना आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने 5 पत्थर लिए, 49th वर्स में, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उनमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे में भीतर घुस गया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ दाऊद अपने गोफन की प्रैक्टिस करता है। दाऊद एक वीर योद्धा है और उसको लड़ना आता है, उसने लड़ना सीखा है, तभी वो गोलियत का सामना कर पाया। दो मुख्य चीज, हमें अपने हथियारों को और सारे हथियारों को पहन के चलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बुरी युक्तियों का और बुरे दिनों का सामना कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस योर फेथ, अपने विश्वास का अभ्यास करिए। जो आप परमेश्वर के वचन पे पढ़ते हैं, जो आप परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, प्रतिदिन उसको अपने जीवन में अभ्यास करिए। दाऊद ने अपना हथियार लेके चला और दाऊद निरंतर अभ्यास करता था गोफन चलाने के लिए। उसे पता था चिकने पत्थर से ही राइट आर्म क्या है जिससे गोलियत मारा जा सकता, उसने वो ही चुना, बिकॉज ही वॉज अ ट्रेंड वॉरियर। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, इन बुरे दिनों का सामना, बुरी युक्तियों का सामना आप तभी कर पाएंगे जब आप परमेश्वर के सारे हथियारों को पहनकर प्रतिदिन चलेंगे और अपने विश्वास को अभ्यास में लेके आएंगे। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज पूरे दिन आप परमेश्वर के वचन में पाए जाएं, हथियारों को पहन के चलें और परमेश्वर में अपने विश्वास का अभ्यास करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। एक खुशखबरी हम आपको बताना चाहते हैं, आने वाले हफ्ते से हम एक सीरीज को पढ़ेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से हम एक बात को सीखेंगे और वो बातें हमारे प्रार्थना के जीवन में हमें बलवंत करेंगी। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे हर एक एपिसोड को, प्रतिदिन के डिवोशनल्स को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इन डिवोशन्स को भी आप और लोगों के संग बांटें, जो प्रार्थना करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ बांटें, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जो हमें
हर बुरी परिस्थितियों से बचा सकता है। यीशु मसीह ने खुद बोला, जागते और प्रार्थना करते रहो। इसलिए हम आपको प्रार्थना के विषय में सिखाने आएंगे, और इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह में हम प्रार्थना सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।